छात्र संघ चुनाव 2012 मार्वल सिटी किशनगढ़ में एबीवीपी के प्रत्याशी ऋषभ कुमावत निर्विरोध निर्वाचित, एबीवीपी के बागी ब्रजराज सिंह व एनयूसीआई के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने ऋषभ कुमावत को दिया समर्थन, नामांकन पत्र लिया वापस। एनयूसीआई के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने भाजपा नेता विकास चौधरी पर अपहरण के आरोप को बताया निराधार। एनयूसीआई के प्रत्याशी चौधरी ने मीडिया के समक्ष रखी बात, कहा राष्ट्रवाद की भावना के चलते बिना किसी दबाव में दिया समर्थन। एनयूसीआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे भागीरथ चौधरी ने जिला अध्यक्ष अब्दुल फरहान के आरोप को बताया झूठा। युवा नेता विकास चौधरी की छवि खराब करने का लगाया आरोप। दोनों भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। दोनों भाई है ब्रजराज सिंह और ये है भागीरथ जी, बीच है राष्ट्रवादी विचारधारा ध्यान रखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है उसको समर्थन दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। जब अध्यक्ष विचारधारा से प्रेरित होगा तो वो फिर टिकट ही नहीं वहाँ से भरना ही नहीं चाहिए था। मेरी इच्छा कुछ भी करूँ मैं। अरे वो भाई अपहरण हुआ उस बारे में क्या कहना है? बाकी जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं। सुबह से मैं मेरे घर पे था, रात को मेरा मूड चेंज हो गया कि भाई चुनाव नहीं लड़ना, तो यहाँ आकर मैंने अपना नामांकन वापस ले। आप क्या कहेंगे, किस तरह बधाई देंगे, कैसे काम करेंगे आगे? बहुत बहुत बधाई देते हूँ भाई को, दोनों भाई मिलकर साथ करेंगे। परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ रहूंगा। मेरा पार्टी ने किसी कारणवश टिकट काट दिया था, इसलिए मैंने पार्टी के खिलाफ जाके गुस्से में अध्यक्ष पद पे नामांकन किया था, लेकिन बाद में मैंने अपने खुद की मर्जी से अपना नामांकन उठाया था। चलो बढ़िया। एक मिनट, ये चुनाव से जो प्रत्याशी जो थे वो श्री ऋषभ कुमावत थे और ये हमारे पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन मतभेद हर संगठन में होते हैं, हर व्यक्तियों के साथ होते हैं, तो इन्होंने अपनी इच्छा से अपना नामांकन वापस लिया संगठन की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए। भाई हैं भाई, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित रहे, इन्होंने बिना किसी दबाव में आके अपना नामांकन वापस लिया और विद्यार्थी परिषद का नाम किशनगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्यार्थी परिषद का कोई छात्र संघ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। इसके लिए मैं तीनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आपस में मिलके और बहुत ही अच्छा काम किया है कि संगठन को सर्वोपरि रख के जो भावना इन्होंने दिखाई है वो और कोई संगठन नहीं सिखा सकता, सिर्फ विद्यार्थी परिषद सिखा सकता है। और जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है, कुंठित मानसिकता, देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग जो खालिस्तानी के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं, वो लोग अगर अपहरण के सवाल करें